बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज अमान में रखे और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह का टाइम है, पट्ठे में घर में छोड़ा हूँ, तो अभी घर के लिए ना ताज़ा कुछ सब्ज़ी तोड़ने के लिए कुछ मूड बना है, तो वो तोड़ने लगे हैं। वो आप दोस्तों को दिखाते हैं कहाँ से तोड़नी है। यहाँ दोस्त हैं, उनकी लगी हुई है, ये देखो इधर सब्ज़ी लगी हुई है। टोटल कद्दू है, तिल है, लोबी है। इधर से हम तोड़ेंगे। अभी हमने सिर्फ ये लेके जानी है, ये लोबी है, तो इधर कद्दू भी लगे हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो कद्दू भी ले जाएंगे। ये मुकम्मल सब्ज़ी की है, हैं? क्यों दूसरी करना अंदर आगे है? ये देखें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा सब्ज़ी लगी हुई है। ये देखें भरी हुई है, हर बेल भरी हुई है सब्ज़ी के साथ। और कद्दू तो तोड़े भी जाते हैं रोज़ाना इधर से, क्यों ये हमारी ज़मीन अगली साइड पे है थोड़ी सी, तो साथ ही है ये भी। और इसमें ये बूटे भी लगाए हुए हैं आम के, ये आम के पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे, अभी लगाए हैं, हो जाएंगे तैयार। ये फूटें लगी हुई हैं टोटल, ये भी फसल फूट की है। ये देखें, ये भी हम लेके जाएंगे खाने के लिए। इसमें तो ज़्यादा कच्ची लगी हुई हैं, ये देखें ये कच्ची हैं अभी, ये देखें ये भी कच्ची हैं, कोई पक्की देखते हैं तो वो लेके जाएंगे हम। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, अभी मुझे एक मिली है पूरी फसल में से, अभी घुमा नहीं है, एक लाइन घुमा हूँ ये तो, सिर्फ ये एक ही मिली है मुझे, तो अभी कुछ और देखते हैं, तीन चार ही तोड़ेंगे अच्छी अच्छी सी जो मिल गई हमें। ये हमने तोड़ी हैं चार पांच सी, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल से ये पूरी फसल में घूम के ये थोड़ी सी मिली हैं, क्यों अभी कच्ची हैं, कुछ टाइम लगेगा तैयार होने में, तो इस वजह से गर्मी। देखें बस सब्ज़ी तोड़ के फिर ये लेके चलेंगे हम। कल मुझे बताना याद नहीं रहा किस काम से मैं खाने वाले गया था, वो तो बताया था कि विंडो लेने गया था, तो विंडो मुझे वहाँ से मिली नहीं थी, तो आज अभी दोस्त अपनी फ्लैश दे के गया, उसमें विंडो है, तो अभी मैं वो कर रहा हूँ। तकरीबन 12:30 का टाइम है, तो विंडो अभी मिली है मुझे, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको होने में। ये देखें विंडो करते हुए अचानक से मेरी आंख लग गई थी, विंडो तो होती रही है, मैं लेटा था तो आंख लग गई, तो पता नहीं खुद ब खुद ही होती रही है मेरी, तो 1.5 घंटे बाद आंख खुली है, तो विंडो हो चुकी थी मेरी, तो फिर मैंने बाकी उसका जो काम था वो किया है, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए हैं, ड्राइवर वगैरह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं वो किए हैं। ईद के दिनों में काम नहीं होता है, क्यों उन दिनों में हमारी अपनी काफ़ी मसरूफियात होती है, तो इस वजह से जो वो चारा वगैरह है जानवरों का वो इकट्ठा ला के रख लेते हैं जो 2-3 दिन चल जाए, तो इसीलिए चारा भी हम 2-3 दिन का ही लेके आएंगे।
सूर्य देखे माशाल्लाह गुरूब हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया, तो 6 बजे आया था, तो अब 7 बज चुके हैं, तो मगरिब को भी तकरीबन 20 मिनट बाकी रहते हैं, 20 से 25 मिनट। तो अभी घर भी जा रहा हूँ, पता नहीं अब्बा जी शहर से आए हैं कि नहीं आए हैं अभी तक, तो इसी वजह से घर पहुंचते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये अभी मगरी के बाद खाना खा रहे हैं, आम है, और ये जो सुबह तोड़ के लेके आए थे लोबी है, इसका सालन पकाया हमने अभी। अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ ईशा की, तो आज पता नहीं ज़बान में दर्द है अजीब सा, समझ नहीं आ रही कैसा दर्द हो रहा है। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।